एक बड़ी खबर सामने आ रही है हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन के पास से, जहां एक गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पा लिया। बता दें अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तो वहीं इस हादसे में दुकान का सामान आग के हवाले हो चुका है। आपको बता दें रोडवेज स्टेशन के पास एक डिस्पोजल के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बता दें आग लगने से आसपास के दुकानों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक रोडवेज स्टेशन के पास राजेश जोशी का डिस्पोजल का गोदाम है। वहीं आज शनिवार सुबह करीब 8:15 बजे गोदाम में एकाएक आग लग गई। गोदाम से धुआं उठता देख लोगों को आग लगने का अंदेशा हुआ, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना दुकान स्वामियों को दी। साथ ही आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने के कुछ ही देर में FSO गोविंद राम के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें फायर यूनिट की मुस्तैदी से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं बता दें आग लगने से लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें मिली जानकारी के मुताबिक दुकान में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, आग लगने का कोई अन्य कारण ही माना जा रहा है। होटल के सामने दुकान में आग लगी है, तत्काल हम गाड़ी वहां से मूव करी। इन्होंने यहाँ देखा आग धधक रही थी, घर उन्होंने एक पाइप फैला करके आग को कंट्रोल किया। अभी आग कैसी लगी इसका छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी, तभी हम पूर्ण रूप से बता। किस चीज़ का गोदाम था ये? ये डिस्पोजल का, डिस्पोजल प्लास्टिक।